और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार सोनी, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस समय हम खड़े मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। यह इलाका मोरवा इलाका है, यह जैंत और बैढ़न का मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि प्रदूषण का क्या हाल है, मतलब यहाँ पे अगर लोग निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस समय जो है NCL हर प्रोजेक्टों से स्वच्छ भारत अभियान का वाहन सजवा कर निकलवा रहा है। अगर बात की जाए उस वाहनों की, तो उस वाहन में जो तस्वीर लगे हुए हैं उनके कॉलोनियों के हैं, जो रोड भी उनके कॉलोनी की है, और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखाई जा रही है उनके घर और कॉलोनी के आसपास का है, मेन रोड का नहीं है। अगर मेन रोड का आप दंश देखेंगे तो आप दंग मान जाएंगे। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण अपने चरम पर है पूरी तरह से। आप देखिए पूरा एकदम, मतलब चारों तरफ जो है प्रदूषण ही प्रदूषण है। यहाँ पर खड़ा होना तो छोड़िए, लोग चलते कैसे हैं वही जानते होंगे। अगर बात की जाए NCL की, तो NCL जो ढोंग और जो स्वयंवर रच रहा है प्रदूषण को लेकर और क्या दिखाना चाहता है क्षेत्र की जनता को, वह समझ के परे है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर जो खर्च यह दिखावे में कर रहे हैं उसको अगर ज़मीनी स्तर से अगर करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रदूषण पर नियंत्रण जरूर लग जाएगा। अगर बात की जाए कोयला लोड ट्रेलर की, तो सोनभद्र और सिंगरौली में जो भी कोयला लोड ट्रेलर चल रहे हैं, खदान से निकलने के बाद दिन में सिर्फ त्रिपाल जो लगा होता है इनका, नाम का लगा होता है, रोड पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा धूल, छोटे छोटे जो कण हैं, हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि मतलब छोटे छोटे जो कोयले के कण हैं रोड पे बिखरे पड़े रहते हैं। अगर सही ढंग से अगर इनका त्रिपाल लगा होता तो कोयला जो है रोड पर कभी नहीं गिरता। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रात में जो, जब इनकी शाम को जो इनका लोडिंग निकलता है, रात में जो लोडिंग निकलता है, उस समय ट्रेलर वाले कोई भी त्रिपाल नहीं लगाते हैं, जिससे बीच रोड में ही कोयला गिरता है। ख़ास तौर से इस रोड में अगर बात की जाए दो पहिया वाले जो लोग हैं, दिन में ही लाइट जला के चलते हैं, मुँह पे जो है पूरा हेलमेट की जगह गमछे का उपयोग करते हैं कि धूल डस्ट से आदमी थोड़ा सा बचा रहे, जिससे कहीं आने जाने में चेहरा जो है गंदा ना हो। आप देखिए हमारे पीछे जो टेलर आ रहा है, देखिएगा कि कितना धूल उड़ता है। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब प्रदूषण का क्या हाल है। पानी भी अगर छिड़काव होता है तो सिर्फ नाम के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है मशीन आई थी साफ़ करने के लिए, रोड जो रोड में जो डस्ट होता है वो साफ करने के लिए आया था, दो दिन तीन दिन घुमा है, उसके बाद वो मशीन जो है विलुप्त हो गया है। वो मशीन कहाँ गया नहीं मालूम, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूरा एक स्वयंवर और एक ढोंग रचा जाता है कि पब्लिक देख ले और समझ ले कि हाँ होता क्या है यहाँ पे, मतलब साफ सफाई की पूरी व्यवस्था NCL की तरफ से है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे धूल उड़ रहा है। पेड़ पौधों को हम एक बार बोलेंगे कैमरामैन को कि पेड़ पौधों की तरफ कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि क्या स्थिति है पेड़ पौधों की। आप देखिए पूरा जो धूल है, धूल का पूरा गुब्बार है। आज हम मेन रोड में खड़े हैं, ये स्थिति है। अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो NCL जो है पूरी तरह से NGT को जो है खुलेआम चुनौती दे रहा है कि मतलब हम नहीं सुधरेंगे चाहे जो हो जाए, आप चाहे जो कर लो। अभी कुछ दिन पहले सोनभद्र और सिंगरौली में लगभग 4000 ट्रेलरों के पहिए रुक गए थे सिर्फ इसी प्रदूषण को लेकर। बहरहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पेड़ पौधे जो हैं, आप पेड़ पौधों में बैठे हुए डस्ट को देख के अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे प्रदूषण का क्या हालचाल है, क्या माहौल है, लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे, हैं जैसे सांस लेने में दिक्कत है, स्नोफीलिया लोगों को हो गई है, चर्म रोग हो गया है सोनभद्र में, बल्कि एक रिपोर्ट अभी आया था यहाँ तक कि प्रदूषण से लोगों का जो हाथ और पैर है वह उससे भी लोग अपंग होते जा रहे हैं। इसको लेकर जहाँ तक मालूम है कि लोग एक अच्छी रिपोर्ट बनाए हुए हैं और उस पर भी एक मंथन हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। बहरहाल आप देख सकते हैं पूरा, हम एक बार बोलेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि क्या स्थिति है।
रोड में आप देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है, प्रदूषण है, मतलब पूरी तरह से जो पानी है पूरा काला है। और तो और आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, एक वाहन जा रहा है और किस तरह से तिरपाल लगा है, उसके तिरपाल को हम आपको दिखाएंगे। टेलर है ये, देखिए तिरपाल भी सही तरीके से नहीं लगा है। आप डस्ट का देख सकते हैं कि मतलब जब गाड़ी निकलता है तो एक धूल का पूरा गुब्बार लेके निकलता है कहीं से भी। बहरहाल अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं अगर पूरे तरह से अगर देखा जाए तो NCL जो है पूरा यहाँ आम जनता के साथ उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है, पूरी तरह से अपने मनमानी तरीके से पूरा काम कर रहा है। मतलब जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वह जीने को मजबूर है इस प्रदूषण से। अगर उसको यहाँ रहना है तो इस प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा, चाहे जो हो। और जो भी दिखावा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यह किसी को नहीं मालूम है कि आखिर NCL क्या दिखाना चाहता है। स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यक्रम कर रहा है क्या दिखाना चाहता है कि मतलब यहाँ पे कितनी साफ सफाई है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आए दिन परेशान हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है इस रोड में कि मतलब हो क्या रहा है। बहरहाल आप एक बार हम आपको और दिखाएंगे, ये धूल का गुब्बार देखिए, लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अभी तो कुछ दिख भी रहा है लेकिन अगर शाम होता है जब ट्रेलर चलता है तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहरहाल हम आगे जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, समाचार को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव निरंतर देते रहें जिससे नई अपडेट हम आपको दे सकें। हमारे नीचे बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप हमारा जो समाचार है ऐप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए पोल खोल पोस्ट, आपको एप्लीकेशन मिलेगा पोल खोल पोस्ट का, आप समाचार देख सकते हैं उसमें।